और सीधे लेके चलते आपको लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए नजर आ रही हैं। तो सीधी तस्वीरें लखनऊ से, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी उनके साथ में नजर आ रही हैं और किसानों की तरफ से फसलों को लेकर, फलों को लेकर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है। तो यूपी में खेती को बढ़ावा देने के लिए शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो देखिए तरह तरह के यहां पर प्रदर्शनी किसानों की तरफ लगाई गई, तरह तरह के फल फूल यहां पर हैं और पूरे प्रदेश भर में लगातार खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से हर एक जिले में समय समय पर प्रदर्शनी लगाई जाती है, जहां पर अलग अलग किस्मों के फल सब्जियां इनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है किसानों की तरफ से और उसी प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए प्रादेशिक फल शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इनके साथ में मौजूद हैं। तो शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में प्रदर्शनी का शुभारंभ उन्होंने किया है, पहली तस्वीर दिल्ली के भारत मंडपम की है, जहां पर आज से दो दिवसीय विशेष सत्र बीजेपी की तरफ से बुलाया गया राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर जिम्मेदारियां तय की जाएंगी पदाधिकारियों की। 11,500 पदाधिकारी इस सत्र में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी खुद उन कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को जीत का मंत्र देंगे। रणनीति बनाई जाएगी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये विशेष सत्र जो आज दिल्ली के भारत मंडपम में बुलाया गया है। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देखिए कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंच चुके हैं। तमाम पदाधिकारी भी इस वक्त भारत मंडपम में मौजूद हैं। तो पहली तस्वीर दिल्ली के भारत मंडपम की, दूसरी तस्वीर लखनऊ की, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रादेशिक फल शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद हैं। तो दो बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें, एक तरफ दिल्ली में बीजेपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए निरीक्षण करते हुए हर एक स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए नजर आ रही हैं। जो किसान हैं उनके द्वारा अलग अलग किस्म के फलों और सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका मुख्यमंत्री खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो दो तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण, ये तस्वीरें एक तरफ दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे। तमाम पदाधिकारी भी पूरे देश भर से इस अधिवेशन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर देखिए लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रादेशिक फल शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जो प्रदर्शनी लगाई गई है प्रदेश भर के तमाम किसानों के द्वारा फल और सब्जियों की, इसके अलावा फूलों की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। अलग अलग किस्म के फूलों की प्रदर्शनी यहां पर लगाई गई है। मकसद इसके पीछे है मुख्यमंत्री का कि जो खेती है, चाहे वो किसी भी किस्म की खेती हो, फलों की खेती हो या फिर सब्जियों की खेती हो या फिर फूलों की खेती हो, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, जो किसान हैं ऐसे छोटे किसान उनको कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उनकी फसल की कीमत दोगुनी कैसे की जाए, उनकी फसल की सही कीमत उन्हें मिले, इसको लेकर लगातार प्रदेश सरकार सक्रिय भी है। तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें हैं, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, उनके साथ में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तस्वीरें आप देखिए अलग अलग किस्म के ये फूल जिनकी प्रदर्शनी लगाई गई है, एक एक स्टॉल्स का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले अलग अलग किस्म के फलों का निरीक्षण करते नजर आ रहे थे। अब फूलों की प्रदर्शनी की ओर मुख्यमंत्री और बेहद ही बारीकी से हर एक फूल के बारे में वो जानकारी लेते हुए नजर आ रही हैं। तो प्रदेश सरकार का इस प्रदर्शनी के जरिए मकसद साफ है कि जो छोटे किसान हैं उनको भी उनकी फसल की सही कीमत मिले,
उनकी फसल की कीमत को दोगुना कैसे किया जाए, खेती को कैसे बढ़ावा मिले, चाहे वो फलों की खेती हो, फूलों की खेती हो या फिर सब्जियों की खेती हो, ऐसे छोटे किसानों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए, उसको लेकर सरकार लगातार अग्रसर है।